हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. वेलकम इन माय क्लास. और टुडेज टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ओके, देन वी विल टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, अपन ने बात की थी कि जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसकी फाइव स्टेप्स होती है. फाइव स्टेप्स कौन कौन सी होती है? इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एंड इगेशन. तो अपन ने बात की थी इंगेशन के बारे में. इंगेशन मीन क्या होता है? एनी एनिमल्स, एवरीवन एनिमल्स, ओके, इनटेक एनीथिंग इनटेक इन ऑल इन देयर बॉडी. ठीक है, अगर एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ है, कोई भी फूड मटेरियल, फूड आइटम है, वो क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, इंगेशन कर रहे हैं. तो अपन ने बात की थी कि जो जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सब में इंगेशन के बारे में क्या होता है, सबकी जो प्रोसेस होती है, सबका मेथड होता है, मोड होता है, वो सबका क्या होता है, अलग अलग होता है. इंगेशन की प्रोसेस क्या होती है, अलग अलग होती है. जैसे अपन ने बात की थी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने हैंड का यूज करते हैं फूड को इंटेक करने के लिए. अमीबा है वो अपने फोल्स फिट का यूज़ करता है. ठीक है, हाइड्रा है वो अपने सीलिया का यूज़ करता है. इस टाइप से अपन ने सारे एनिमल्स के बारे में बात की थी. अपन ने हाइड्रा, हाउस फ्लाई, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स के बारे में अपन ने बात की थी. आज अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें अपन बात करेंगे डाइजेशन के बारे में. ओके, अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, ओके, उसमें अपन बात करेंगे डाइजेशन के बारे में. तो इंगेशन तो हो गया, उन्होंने अपने फूड मटेरियल को क्या किया, इंटेक कर लिया अपनी बॉडी में. ठीक है, अब अपन बात करेंगे डाइजेशन के बारे में. तो ये जो डाइजेशन है वो कैसे होता है, ठीक है, तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं फूड के, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके, वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल में, ब्रेकडाउन होते हैं. और ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे अपन, डाइजेशन कहेंगे. और ये जो डाइजेशन में ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, इसमें कुछ एंजाइम्स हैं वो हेल्पफुल होते हैं, जो एंजाइम्स हैं वो हेल्प करते हैं. ठीक है, तो ये जो इस तरह की जो ये प्रोसेस होती है, ठीक है, ये कौन सी हो गई, ये केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, ओके. जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. ये जो प्रोसेस होती है इसमें एंजाइम्स हेल्प करते हैं, और ये एंजाइम्स जो हेल्प करते हैं, ये जो पूरी प्रोसेस है ये क्या हो गई, एक केमिकल रिएक्शन है. इस तरह की ये जो केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है वो क्या हो गई, डाइजेशन हो गई. ठीक है, अब अपन देखेंगे कि जो अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनमें कौन से एनिमल्स में किस तरह का डाइजेशन होता है. ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो अमीबा है, अमीबा में जो डाइजेशन है वो कैसे होता है, उसके साइटोप्लाज्म में. अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है, साइटोप्लाज्म में ये केमिकल रिएक्शन होती है. इट मीन्स इसका जो फूड मॉलिक्यूल्स है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होते हैं. ठीक है, ये हो गई. फिर अपन बात करेंगे हाइड्रा में. हाइड्रा इसकी जो बॉडी कैविटी होती है उसमें ये केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें डाइजेशन होता है. ठीक है, और जो हायर एनिमल्स हैं, ठीक है, हायर एनिमल्स हैं जैसे फ्रॉग्स एंड ह्यूमन बींग्स, इनमें ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स और जो हायर एनिमल्स हैं जैसे फ्रॉग ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो इनमें क्या होती है, इनका ये जो फूड होता है, ठीक है, वो कहाँ जाता है, एलिमेंट्री केनाल के थ्रू जाता है, और वहाँ पे कई सारे एंजाइम्स है वो सीक्रेट होते हैं, एंजाइम्स है वो सीक्रेट होते हैं
बहुत सारे एंजाइम्स हैं वो सिक्रेट होते हैं, और सिक्रेट होने के बाद में ये केमिकल रिएक्शन होती है, इनका डाइजेशन होता है। ओके, तो ये हो गया डाइजेशन। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है, ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये जो एंजाइम्स होते हैं इनका जो नेचर है, ठीक है, वो कैसा होता है। प्रोटीन एंजाइम्स है वो नेचर में कैसे हो गए, प्रोटीन हो गए, ठीक है। नेचर में कैसे हो गए, प्रोटीन हो गए। और कई सारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो होती है इसमें, ओके। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में क्या होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो अपन बात करेंगे कि ये जो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, ये हायर एनिमल्स में ये कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। देखो ये जो एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन की जो प्रोसेस है वो एक साथ होती है। तो एब्जॉर्प्शन होता है उनमें क्या होता है कि ये क्या करते हैं, फूड से जो जो ब्रेकडाउन होता है, फूड का जो ब्रेकडाउन होता है उसमें ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और एब्जॉर्ब करने के बाद में जब ये यूटिलाइज करते हैं फूड का, तो वो क्या हो गया, सिमिलेशन हो गया। एब्जॉर्ब में तो ये क्या हो गए, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके जब उसको यूटिलाइज करते हैं, बॉडी उसको क्या करती है, यूज़ करती है, तो वो क्या हो गया, एसिमिलेशन हो गया, ठीक है। तो जो ह्यूमन बींग्स है उनमें क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर वहाँ पे क्या होता है, ये जो बॉडी है वो उसको यूज़ करती है, ठीक है। ये क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन हो गया। और जो अमीबा है, अमीबा के अंदर क्या होता है, उसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एंजाइम सीक्रेट होता है। एंजाइम सीक्रेट होने के बाद में ये क्या होता है, इसमें जब एसिमिलेशन होता है तो इसमें क्या होता है, इसकी जो साइज होती है वो ग्रोथ करती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और ऐसे ही सेम हाइड्रा में भी हो गया, ठीक है। तो जो हाइड्रा है उसमें भी क्या होता है, उसकी जो बॉडी की जो कैविटी होती है उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर बाद में उसका एसिमिलेशन होता है, फिर उसके अंदर जो बॉडी है उसकी ग्रोथ करती है, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे इगेशन की। तो इगेशन की जो प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, इगेशन की प्रोसेस में, इगेशन ये जो इगेशन की प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी से वो एक्सक्रीट होता है, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट। वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है, इसमें एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो जो हायर एनिमल्स हैं, हायर एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, लाइक फ्रॉग। हायर एनिमल्स में कौन सा हो गया, तो फ्रॉग हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये क्या हो गए, ये एनस से जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। फिर अमीबा, ठीक है, अमीबा क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एनस से एक्सक्रीट करता है, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको कैसे, एनस से एक्सक्रीट करता है। और जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा क्या करता है, एनस एंड माउथ दोनों से ये जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सक्रीट करता है, ओके। तो ये तो जो प्रोसेस है अपनी वो कौन सी हो गई, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स के अंदर ये जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उसकी प्रोसेस हो गई, और वो प्रोसेस अपने फाइव स्टेप्स में देखी है, ओके। फर्स्ट अपना जो हो गया वो हो गया इंगेशन, सेकंड हो गया एब्जॉर्प्शन, थर्ड हो गया इसमें एसिमिलेशन,
और फोर्थ हो गया इसमें इंगेशन। ओके, इंगेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया और इंगेशन हो गया। ये अपन ने जो 5 स्टेप्स है इसमें अपन ने देखिए, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल्स होते हैं, वो इस तरह से अपना जो फूड है उसको उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे जो अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स हैं, कौन सा एनिमल है वो किस तरह से न्यूट्रिशन लेता है और इन सारी प्रोसेस को वो कैसे करता है, तो उसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। ओके, देन वी विल टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।